अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं यही कहूंगी सिर्फ कि आज जो आपने गोल अचीव कर लिया है, सिर्फ वहीं पे मत बैठ जाइएगा, अपने जीवन में एक नए लक्ष्य तैयार करिए और उस गोल पर इतना फोकस करिए, इतना फोकस करिए कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। किसी पीक के लिए हम निकलते थे, सारे लोग जीतते थे तो वो सारे लोग मुझसे आगे निकल जाते थे हर बार। मुझे मतलब मन में ये चीज आता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान करके रखी हूं, मैं इनसे पीछे चल रही हूं, क्या होगा? पता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आपको, आपने बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेट सबको सुना, स्पीकर्स को सुना होगा, और चाहे मैं आके यहाँ चाहे कुछ भी आपको बताऊं, अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो मैं, जो एक पल मैंने लाइफ स्टोरी जो है वो आपको बताऊं, लेकिन सही मायने में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उस लक्ष्य को पाने, उस गोल को पाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहीं से मैं मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। हर बार जब वो लोग आगे निकल जाते थे तो मेरे दिमाग में यही बात चलता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान कर रही हूं, ये छोटे से पीक को अच्छे से मेरे से पहले सबमिट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी? लेकिन खुद बार बार मैं खुद से प्रॉमिस करती, खुद को मोटिवेट करती थी, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशन कभी कभी ऐसे होते कि आप अकेले होते, कोई और नहीं होता है आपके साथ, मैं खुद से बोलती थी कि कोई बात नहीं अरुणिमा, तू ऐसे हालात में आज नहीं है कि तू आज इनसे अच्छा चल पाए या फिर इनके बराबर चल पाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे पहले पहुंचेगी। देखिए जब भी कभी लाइफ में कुछ अच्छा काम करने जाते, कुछ ऐसे आपके साथ, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते, कुछ ऐसे होते हैं जो खींच के अपने बराबर लाके खड़ा करने की कोशिश करते, ये आपको डिसाइड करना होता है। अब आप उस उन आलोचनाओं को निगेटिव में लेते हो या पॉजिटिव में लेते हो या चैलेंज के रूप में लेते हो। मैंने अपनी हर निगेटिव, जिन लोगों ने निगेटिव बातें मुझे बोली, मैंने हमेशा चैलेंज के रूप में लिया है। मैंने जब जब मुझे लोग बोलते थे कि अरुणिमा तुम मान लो इस बात को कि तुम्हारा पैर नहीं है, कुछ कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया कि लंगड़ी हो गई, दिमाग भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, मैंने हर बार उनको एक चैलेंज के रूप में लिया। अपने मन में उनसे कभी नहीं बोलने गए, लेकिन अपने मन में डिसाइड कर लिया, ठीक है एक दिन ऐसा आएगा हम मजबूर कर देंगे आपको कि आप आके मुझसे बोलेंगे कि हाँ अरुणिमा तुम्हें वो बात थी कि तूने कर दिखाया। तो ये सिर्फ आपके ऊपर होता कि वो अगर निगेटिव बोल, वो तो बोल ही रहा है निगेटिव, आपको किस रूप में लेना है, आप उसको कन्वर्ट करके चैलेंज में ले लो। मैंने चैलेंज में लिया हर किसी की, क्योंकि सबसे बड़े साथी तो मेरे वही थे।